और दोस्तों मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नए वीडियो में। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं काफी सारी जगहों से, वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सके। दोस्तों आपको बता दें, पहली तो बात कर लेते हैं कुवैत की फ्लाइटों की। आपको बता दें कुवैत ने अपनी यहाँ की जो फ्लाइटों पर बैन लगे थे उसको एक्सटेंड कर दिया है, पर वहीं बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुवैत के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें इंडिया से और 35 और अदर कंट्रीज से चलाई जा रही हैं। तो अगर आप कुवैत के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं इस वक्त भी, पर वहां पर आपको जाकर 14 दिनों का क्वारंटीन होना पड़ेगा। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें जापान के लिए फ्लाइट जो है वो ऑपरेट की जा रही है। जापान की फ्लाइटों के लिए जो लोग देख रहे हैं वो एयर बबल के थ्रू जापान की फ्लाइट ले सकते हैं। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें जो लोग साइप्रस के लिए फ्लाइट देख रहे हैं, साइप्रस के लिए फ्लाइट को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट खास लेकर नहीं आई है। बात कर लेते हैं इंडिगो एयरलाइंस की। आपको बता दें इंडिगो एयरलाइंस यहां पर आने वाले समय में अपनी जो फ्लाइटें हैं रशिया, इजिप्ट, मलेशिया, चाइना के लिए ऑपरेट करने वाली है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि यहां पर एयर इंडिया से निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइटें मुंबई और हुबली के बीच में स्टार्ट कर दी हैं, तो अगर आप इस रूट पर यात्रा करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। वहीं अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि यहां पर रशिया और इजिप्ट की फ्लाइटों को लेकर आ रही है। आपको बता दें यहां पर काफी टाइम के बाद रशिया और इजिप्ट के बीच में जो फ्लाइट के ऑपरेशन है वो अब फिर से एक बार चलना शुरू हो चुके हैं। वहीं रशिया के नेशनल करियर एरोफ्लोट ने इंडिया के लिए जो फ्लाइटें हैं वो भी स्टार्ट कर दी हैं और एरोफ्लोट इस वक्त अपनी सर्विस इंडिया से रशिया के बीच में भी ऑपरेट कर रही है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों जेट एयरवेज के स्टॉक मार्केट से भी नई खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें जेट के स्टॉक मार्केट ने जंप किया है 5% आज ही। आपको बता दें ये जंप तब निकल कर आया जब जो अनाउंसमेंट है वो हुई जो है नए ओनर की तरफ से कि यहाँ पर आने वाले 4 से 6 महीने में हम एयरलाइन को स्टार्ट कर देंगे 25 फ्लाइटों के साथ। इस रिपोर्ट के आने के बाद जेट एयरवेज ने स्टॉक मार्केट में 5% की बढ़ोतरी देखी है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट अभी तक की। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त नायक। मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।